दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में नए साल के जश्न पर लगभग पूरी तरह से पाबंदियां लागू रहेंगी। ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों की आशंका के बीच इन शहरों में कई तरह के प्रतिबंध लागू करने का आदेश जारी किया गया है। ओमाइक्रॉन SARS-CoV-2 का नया वेरिएंट है जो डेल्टा वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैल रहा है, हालांकि इसका प्रभाव डेल्टा जितना गंभीर नहीं है। पहला मामला सामने आने के बाद एक महीने के भीतर भारत में ओमाइक्रॉन के मामले 800 के करीब पहुंच गए हैं। इन चार शहरों में ओमाइक्रॉन के चलते लगाए गए प्रतिबंध और नियम इस प्रकार हैं। दिल्ली में एक तरह से मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को येलो अलर्ट जारी किया गया था। ये प्रतिबंध नए साल के जश्न तक सीमित नहीं हैं। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल भी बंद हैं। बृहन्मुंबई नगर निगम क्षेत्र में किसी भी नए साल के जश्न की अनुमति नहीं है, सीमित या खुली जगह में भी नहीं। रेस्टोरेंट, होटल, क्लब, पब 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगे। प्रतिबंध ज्यादातर मेट्रो शहरों में क्यों हैं? भारत में ओमाइक्रॉन का स्रोत अभी भी विदेशी यात्री बने हुए हैं। इसलिए इस वेरिएंट का इन शहरों में फैलना संभव है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में विदेशी यात्री आते हैं।